नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सलोनी कासलीवाल आपके साथ। राज्य सरकार ने पंच सरपंच के चुनाव के बीच तबादलों से बैन हटा दिया है। अब 31 अक्टूबर तक तबादले हो सकेंगे। इसके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है। प्रशासनिक सुधार विभाग के जारी आदेशों के अनुसार इसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन के आदेशों के पालन की भी बात कही गई है। इसके साथ ही कोरोना को देखते हुए तबादलों के लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। तबादलों के लिए कोई भी ऑफिस नहीं आ सकेगा, ना ही कर्मचारी तबादलों की अर्जियां स्वीकार करेंगे या देश निगम बोर्ड और स्वायत्त संस्थाओं पर लागू रहेंगे। गौरतलब है कि लगातार तबादलों को लेकर जनप्रतिनिधियों की भी मांग बढ़ रही थी। सरकार की अस्थिरता के चलते पहले भी तबादले नहीं हो पाए थे। वहीं आगे पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव के चलते तबादलों पर भी रोक रहेगी। ऐसे में सरकार ने जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए तबादलों से रोक हटाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की और खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन।